दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्पायर अवार्ड के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म विद्यार्थियों के किस प्रकार से भरें। दोस्तों विद्यार्थी स्वयं अपने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते, हमें विद्यार्थियों के नॉमिनेशन फॉर्म स्कूल की इंस्पायर अवार्ड वाली आईडी से वेबसाइट पर ऑनलाइन करने होंगे। इंस्पायर अवार्ड के लिए कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, जिनकी उम्र दोस्तों 10 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। जो विद्यार्थी इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित होते हैं उनको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इसमें राष्ट्रीय स्तर तक विद्यार्थी चयनित हो सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले हम इंस्पायर अवार्ड लिख के सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद में इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं मोबाइल वर्जन का उपयोग कर रहा हूं, तो यहां पे 4 अथॉरिटी आपको मिलती है, नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी। स्कूल अथॉरिटी के ऊपर हमें क्लिक करना है, हमें चलना है थोड़ा नीचे। दोस्तों ये साइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके डाल दूंगा, जहाँ से आप सीधे इस पेज पर जा सकते हो। नीचे जाने पर दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों इंस्पायर अवार्ड जीतने के लिए आपके पास में यह ज़रूरी है कि एक अच्छा सा इनोवेटिव आइडिया हो, ऐसा आइडिया आपके पास में होना चाहिए जो पहले नहीं दिया जा चुका। एक अच्छा आइडिया किस प्रकार से डेवलप करें इसके लिए भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप उस वीडियो की सहायता से एक अच्छा सा आइडिया आसानी से डेवलप कर पाओगे। तो यहां पर मैं स्कूल की आईडी और पासवर्ड डालूंगा, दोस्तों मेरे सेव हो रहे हैं। नीचे यहाँ पर कैप्चर डालना है, तो कैप्चर डाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पर नीचे लॉगिन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। यदि दोस्तों आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड रीसेट किस प्रकार से करें इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। इंस्पायर अवार्ड से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है। कोई भी प्रोसेस इंस्पायर अवार्ड की हो उसके लिए आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो किस प्रकार से पासवर्ड रीसेट करें उसका वीडियो का लिंक भी दोस्तों आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से पेज ओपन होता है, यह हमें स्कूल का लॉगिन हमने कर लिया है। और दोस्तों यदि आपने इसकी प्रोफाइल अपडेट नहीं करी है तो पहले प्रोफाइल अपडेट आपको करनी होगी। दोस्तों मैंने इसकी पहले प्रोफाइल अपडेट कर रखी है और मैंने ईमेल आईडी पे ओटीपी भी आया था, तो ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर रखी है। अब सीधा मैं यहाँ से नॉमिनेशन फॉर्म इसका भर सकता हूँ। तो ऊपर यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट नॉमिनेशन लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, प्रत्येक स्कूल अधिकतम 5 आइडिया सबमिट कर सकता है, एक विद्यार्थी एक ही आइडिया सबमिट कर सकता है, सेम आइडिया यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे और विद्यार्थियों के पास में अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और दोस्तों नीचे पूछा जा रहा है क्या विद्यालय ने आइडिया कंपटीशन कंडक्ट किया है, किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे पीडीएफ भी दिया गया है। जो आइडिया कंपटीशन के लिए पीडीएफ है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपने आइडिया कंपटीशन करवा लिया है तो यस पे यहाँ पे टिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे टिक करना है। तो आइडिया कंपटीशन करवाने के बाद आपको दोस्तों नीचे यहाँ पे संख्या भरनी है, कितने विद्यार्थियों ने आइडिया कंपटीशन में भाग लिया, तो वो संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है। और उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। साथियों आपके पास में एक विद्यार्थी का फोटो होना चाहिए, विद्यार्थी की बैंक डिटेल होनी चाहिए और जो विद्यार्थी का जो आइडिया है दोस्तों उसके बारे में दोस्तों एक पीडीएफ भी आपके पास में होना चाहिए, जिसमें आप सिनोप्सिस को पीडीएफ में डालकर इसमें अपलोड कर सकते हो। उसका टाइटल भी एक सूटेबल होना चाहिए, तो वो भी आपको पहले से ही रखना होगा। यदि उस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई वीडियो आपके पास में है तो वो भी आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों नीचे चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन गिवन बिलो, इस पर क्लिक करना है। नीचे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो साइंस लैब इन द स्कूल, क्या है स्कूल में साइंस लैब है, तो यहाँ पे यस और नो पे क्लिक करना है। और नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके विद्यार्थी की डिटेल को हम ऐड और एडिट कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों पहले करना पड़ेगा ऐड स्टूडेंट पे क्लिक, जो ऐड स्टूडेंट है, क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे हमें फिलअप करनी है। एक स्कूल अधिकतम 5 विद्यार्थियों को नॉमिनेट कर सकता है, तो यहाँ पे डिटेल विद्यार्थी की हम भर देंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टूडेंट का नाम भरना है। अब नाम भरने में दोस्तों ये ज़रूरी है कि जो बैंक की पासबुक में है वही नाम आपको भरना है, स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ भी नाम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी नाम आप भरें वो बैंक की पासबुक के अनुसार सेम होना चाहिए, वही नाम आपको भरना है। यहाँ पर फादर्स नेम भरना है, यहाँ पर मदर्स नेम भरना है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जन्म तारीख के आधार पर विद्यार्थी की उम्र 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यदि 15 वर्ष से अधिक उम्र है तो वो
इस पर अवार्ड के लिए अपात्र हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे विद्यार्थी के आधार नंबर, ये दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, आधार कार्ड नहीं भी डालोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थी हैंडीकेप्ड है या नहीं है, यस और नो पे आपको टिक करना है। यदि विद्यार्थी विकलांग है, दिव्यांग है, तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो पे ही क्लिक रहने देना है। ईमेल एड्रेस विद्यार्थी का यहाँ पे डालना है, क्लास कौन सी है विद्यार्थी की यहाँ पे डालनी है, और कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे ST SC OBC कौन सी कैटेगरी आपको है वो डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका आइडिया इनोवेशन है उसका टाइटल डालना है। टाइटल सही तरीके से लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो सही तरीके से अपने आइडिया इनोवेशन या प्रोजेक्ट का टाइटल कैसे लिखें, उसका सिनोप्सिस कैसे लिखें, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो टाइटल है केवल आपको इंग्लिश में ही लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये डिटेल मैं अभी वैसे ही फिल कर रहा हूँ, बाद में इसको चेंज कर दूँगा। यहाँ पर दोस्तों 3000 वर्ड में और या इससे कम वर्ड में आपको उसका सिनोप्सिस लिखना है। सिनोप्सिस में दोस्तों यहाँ पे मैंने वैसे ही लिख रखा है, इसको आप सही मत माने। सिनोप्सिस में उस प्रोजेक्ट अपने आइडिया इनोवेशन के बारे में लिखना होता है कि अपना आइडिया क्या है, किस प्रकार से वो वर्क करता है, समाज के लिए उसके क्या बेनिफिट है, किस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, कैसे वो वर्क करता है, ये सभी चीज़ें सिनोप्सिस में हम लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिर नीचे मेंटर टीचर का नाम आपको लिख देना है। साथियों इंस्पायर अवार्ड में चयनित विद्यार्थियों के लिए 10,000 रुपये की राशि आती है और सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT के द्वारा विद्यार्थी के खाते में 10,000 रुपये आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें विद्यार्थी का बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है। बैंक जो अकाउंट विद्यार्थी का चालू होना चाहिए, अन्यथा कई बार फंड ट्रांसफर में दिक्कत आ जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बैंक का नाम हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पर बैंक का एड्रेस लिखना है, बैंक की ब्रांच कहाँ पर स्थित है उसका पूरा एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है और इसको यहाँ पे रिपीट करना है ताकि कोई भी गलती की संभावना ना रहे। अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही लिखना है। विद्यार्थी का जो नाम यहाँ पे लिखना है वो बिल्कुल भी आपको बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग ही लिखना है ताकि फंड ट्रांसफर में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक के IFSC कोड और यहाँ पर IFSC कोड को रिपीट करना है और इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर टू वॉन्ट टू सेव द इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों सेव हो जाएगी। अब थोड़ा सा काम और बचा है अपना, अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो। यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी की फ़ोटो हमें अपलोड करनी है। तो दोस्तों जो फ़ोटो है वो JPG PNG GIF VMF BMP और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 2 MB से ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और उसके बाद में अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे। मैं आपको ये बताता हूँ, तो यहाँ पे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे दोस्तों ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे और ऐसे ही दोस्तों फ़ोटो साइड में हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नीचे चलेंगे दोस्तों, सेलेक्ट प्रोजेक्ट सिनोप्सिस लैंग्वेज एंड अपलोड प्रोजेक्ट सिनोप्सिस। जो प्रोजेक्ट दोस्तों आपने बनाया है उसका जो सिनोप्सिस लिखा है उसकी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में वो है, तो हिंदी या इंग्लिश। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही डालना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों जो सिनोप्सिस आपने लिखा है उसका एक PDF आपको तैयार करके यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे दोस्तों PDF और वर्ड फॉर्मेट अधिकतम 2 MB का हो सकता है, तो यहाँ से पहले चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड सिनोप्सिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सिनोप्सिस है वो यहाँ पर हमें दिख जाएगा। ये स्टार मार्क है, यह आपको काम करना ही होगा। दोस्तों अपलोड आइडिया इनोवेशन फ़ोटो, अपने आइडिया या इनोवेशन से संबंधित कोई फ़ोटो हो तो आपको यहाँ पे डालना है दोस्तों, ये स्टार मार्क नहीं है, नहीं भी डालोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अपने आइडिया या सिनोप्सिस से संबंधित कोई वीडियो ऑडियो आपके पास है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना है सेव, इसके लिए आपको दोस्तों सेव पर क्लिक करना है। और यदि आप अभी तुरंत दूसरा स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो सेव एंड ऐड अनदर स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है। साथियों इस डिटेल को सेव करने के बाद में इस प्रकार से स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्लास आ जाएगी, उसका नाम, फादर्स नेम, सिनोप्सिस अपलोडेड यस या नो आ जाएगा और एडिट स्टूडेंट डिटेल पे, यदि आपको स्टूडेंट की डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस पे, सिनोप्सिस अपलोडेड उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे और दोस्तों एड स्टूडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एड स्टूडेंट पर क्लिक करना पड़ेगा।
यदि आप और स्टूडेंट जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक स्कूल अधिकतम 5 विद्यार्थियों के नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है, तो उसके लिए आपको एड स्टूडेंट पर क्लिक करके अगला स्टूडेंट जोड़ लेना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार से इंस्पायर अवार्ड वाले बच्चों के फॉर्म इंस्पायर अवार्ड की साइट पर ऑनलाइन हमें भरने हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही।